ओम अज्ञानंदनंजनाशलाकया चुरा मिलता ये न तस्म श्री गुरव नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद्रीअत गादा शिवा सदि गौरव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करंगये गिरीम यम हम मंदे श्रीगुरीदीन तारण पनंदमाधव श्री चैतनेश्वर हरे कृष्णा ओके तो हम दामोदर अष्टकम डिस्कस कर रहे थे कल हमने स्टार्ट किया था थोड़ी सी दामोदर लीला डिस्कस की थी आज हम दामोदर अष्टकम करेंगे पहला श्लोक हमने कल थोड़ा सा टच किया था तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे तो मैं रिसाइट करूंगा श्लोक सॉन्ग का पहला पैराग्राफ नमामिश्वरं सच्चे धनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियो लोकलादमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या ओके तो <clears throat> कौन बोल रहा है ये किसने लिखा है अः दामोदर का किसी को याद है कल ने डिस्कस किया था कि किसने लिखा है कौन से मुनि ने लिखा है प्रभु जी सत्यव्रत या सत्यदेव मुनि कुछ ऐसे नाम था सत्यव्रत मुनि बिल्कुल सही था थैंक यू माता जी तो सत्यव्रत मुनि में लिखा है और कौन सी स्क्रिप्चर में आता है ये कौन से ग्रंथ में है पद्म पुराण में पद्म पुराण यस पद्म पुराण में लिखा है और उसके बाद हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने इसको हाईलाइट करके एम्फोसाइज किया तो शुरू कैसे कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि अब ये कृष्णा की लीला है सारी तो कृष्णा की लीला को स्टार्ट करने से पहले वो बेसेंसिस पे कर रहे हैं कृष्णा को तो ये एक तो ओबेसेंसेस है नमामी नमामी मींस ओबेसेंसेस पे करना कृष्णा को ओबेसेंसेस एक तो नेचुरली पे करेंगे अगर कृष्णा के बारे में बोल रहे हैं और कृष्णा को एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं वो साक्षात लीला में है और साथ ही साथ हमें ये दिखाने के लिए कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चे की कोई वो नहीं हो रही बच्चे का खेल नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि कृष्णा को देख के लग सकता है ये तो बच्चा खेल रहा है क्या है इसमें लेकिन नहीं सत्यव्रत मुनि स्टार्ट करें नमामी फिर वो कह रहे हैं नमामी ईश्वरम ईश्वरम मींस कंट्रोलर होता है वैसे ईश्वरम लेकिन माय लॉर्ड भगवान उनको भी ईश्वर कहते हैं तो यहाँ पे बड़े प्रेम से वो बोल रहे हैं नमामी ईश्वरम आप कंट्रोलर हो सब चीजों के और प्यार से एड्रेस कर रहे हैं कृष्णा को ओबेसेंसेस पे करते हुए कि आप मेरे नाथ हो यू आर माई लॉर्ड और फिर वो बता रहे हैं कि ये ऑर्डनरी बच्चा नहीं है कोई कौन है ये सचिदानंद रूपम है सचिद आनंद तो मींस सच का क्या, क्या मतलब होता है सचिदानंद रूपम सत मीन्स ए चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लेस तो सत चेत आनंद और रूपम मीन्स आपका फॉर्म है रूप है आपका निराकार नहीं है भगवान उनका एक स्पिरिचुअल फॉर्म है तो ऐसे उन्होंने शुरू किया और उसके बाद वो फोकस कर रहे हैं कृष्णा के फेस पे और फेस में भी ईयर्स पे और ईयर्स में भी इंग पे कृष्णा की तो कृष्णा की इयरिंग कौन से शेप की है किसी को पता है आप में से कौन से किस तरीके की है कृष्णा की इिंग यहाँ पेप की शार्क शेप यस तो कृष्णा की है जो शार्क शेप इंग्स हैं वो उनको बोल रही हैं के सोच रहे की कितनी किस्मत उनकी अच्छी है डिबूटी जनरली क्या करते हैं वो चाहते हैं भगवान के चरणों में रहना है कि नहीं वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और भगवान को किस करने की बात तो अलग बहुत ही हाई हो गई ये लेकिन उस जो है जो शार्क शेप्ड इयर है वो ऐसे मूव हो रही है जैसे जैसे क्योंकि ये लीला चल रही है ना भगवान भाग रहे थे वो पीछे पीछे फिर भगवान रुक गए तो वो फिर तो वो कितनी अः खुशकिस्मत है कि उसको भगवान के इतने पास रहने का और धीरे धीरे वो भगवान को टच कर रही है एज इफ किसिंग किसिंग द सुप्रीम लॉर्ड तो ये क्या कहते हैं की भी खुशकिस्मती है ये देख रहे हैं तो भगवान जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के कॉन्करण हैं वो अभी कंट्रोल हो गए मदर यशोदा से पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई कॉन्कर नहीं कर सकता भगवान को इतने सारे लोग कोशिश करते हैं कभी राक्षस कोशिश करते हैं भगवान को पकड़ने की कभी योगी कोशिश करते हैं भगवान को मेडिटेट करके उनके तक पहुंचने की आ, कई ऋषि मुनि लेकिन वो नहीं कर पाते लेकिन यशोदा माई यशोदा माई जो है उन्होंने कॉन्कर कर लिया कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्णा जो है उनकी आंखों में अभी डर है भय भय है उनकी और इस भय का भी कारण है भय कृष्णा को जो यहां आ रहा है आंखों में उनके भरा हुआ है वो एक्चुअली एक तरफ से तो कृष्णा भाग रहे थे उनको यशोदा माई ने पकड़ लिया तो अब वो भयभीत होके एक तो नेचुरली वो डरे में हैं मगर और सो दूस, दूसरा ये भी कारण है कि वो डरा हुआ दिखना भी चाहते हैं ताकि यशोदा माई थोड़ी अपनी पनिशमेंट जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम कर दें ज्यादा मुझे उनके पास छड़ी भी है तो ज्यादा उनको पनिशमेंट ना मिले ऐसे तो <clears throat>

करम भुज युग मे नुह श्वास रेखा स्थित ग्रीव दामोदरम भक्ति ओके okay. तो शोधा ने उनको पकड़ लिया है तो अब क्या हो रहा है अब रो रहे हैं रुदंतम तो आप कोई कहेगा भगवान कैसे रो सकते हैं यार अगर आप खासकर किसी और रिलीजन से पूछो या इवन हिंदूज में भी दूसरे अलग स्कूल से पूछो जिनको ज्ञान नहीं है लीला के बारे में तो वो एकदम समझ नहीं पाएंगे इसको कि भगवान क्यों रोएंगे यार पहले तो तुम कह रहे हो ये छोटा सा बच्चा है भगवान ऊपर से तुम कह रहे हो कि ये ये ने पकड़ा है उसको उससे डर रहे हैं और अब रो रहे हैं ये क्या हद है ये तो भगवान नहीं हो सकते तो ऐसे लोगों का कॉन्सेप्ट है लेकिन जैसे मैं कल बता रहा था कि लीला का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है जो स्क्रिप्चर्स देती हैं कि भगवान हैं मगर उन करते क्या है? उनकी एक्टिविटीज क्या है क्या उनको अच्छा लगता है ये सब डिटेल में बताने के लिए आ, हमें शास्त्रों के डेप्थ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये लीला क्या होती है तो यहां पर लीला कर रहे हैं कृष्णा क्राइंग और आ, छोटा <coughs> सा बच्चा रो रहा है कैसे क्या क्या पोजीशन है कृष्ण की ऐसे अपनी आंखों को मल रहे हैं आ, <coughs> तो ये बहुत क्यूट और और प्यारे फॉर्म है कृष्ण की मतलब ए, सब डिवोटीज का जो हृदय है ना वो एकदम छू लेती है ऐसी फॉर्म है और <coughs> मुहू श्वास कंपा क्या हो रहा है उनका वो ब्रीदिंग बड़ी तेज चल रही है <laughs> क्यों तेज चल रही है एक तो अभी भाग रहे थे उसको पकड़ा और ऊपर भी फियरफुल भी है जब कोई फियरफुल भी होता है तो उनका ब्रीदिंग तेज हो जाती है नर्वस सिस्टम है ना फिर उनकी जो नेक है यहाँ पे तीन लाइन है त्रिरेखा तो ये एक ब्यूटी का भी सिग्निफिकेंस होता है वे उसमें कैसे तीन लाइनें जब होती हैं किसी की तो वो बहुत ब्यूटीफुल होती साइन ऑफ ब्यूटी स्थित देव दामोदरम भक्ति भक्ति तो यहाँ पे हालांकि वो बहुत डरे में हैं भयभीत हैं और गुस्से में भी हैं कि भाई पता नहीं क्या लेकिन वो बहुत खुश सुंदर लग रहे हैं इसमें भी इस फॉर्म में भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं जनरली कोई रोता है या कोई बिल्कुल ऐसे गंदे मूड में है तो उसकी शक्ल कभी बार देखने का भी दिल नहीं करता है कि नहीं चाहे वो जैसा भी हो लेकिन यहाँ पे भगवान के साथ ऐसा नहीं वो और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं क्योंकि भगवान किसी भी फॉर्म में हो वो पहले से ज्यादा सुंदर होते जाते हैं क्योंकि वो एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी है कृष्णा की और अब दामोदर बन गए हैं दामोदर मीन्स उनको जिनको कोई पकड़ नहीं सकता था कोई बांध नहीं सकता था वो अब बंध गए हैं जैसे मैंने बताया दाम मीन्स रोप उधर मीन्स पेट से बंध गए तो कोई नहीं बांध सकता था लेकिन अब वो बंध गए हैं किससे मदर यशोदा के प्रेम से तो इससे पहले भी यशोदा माई ने कृष्णा के साथ कई सारी लीला हुई और भगवान का विराट रूप भी देखा था यशोदा माई ने किसी को याद है कब देखा था यशोदा माई ने भगवान का विराट रूप कोई बता सकता है प्रभु जी जब उन्होंने आ, मिट्टी मुंह में खा ली थी और वेरी गुड यस एक बलराम जी ने भी इस बार तो जनरली बलराम जी नहीं करते थे वो हमेशा उसके साइड लेते थे कृष्णा की अभी लेकिन वो, वो भी चिंतित हो गए कि ये कृष्णा क्या उनको तो अच्छे अच्छे आइटम खाने चाहिए जो बना रहे हैं सब ये क्या मिट्टी खा रहे हैं इससे उनके ये बिल्कुल अप्रो नहीं है तो बलराम जी ने कंप्लेन करी फिर आए मदर यशोदा के तो बड़ी लीला है लेकिन फाइनली मदर यशोदा कहा अपना मुंह दिखाओ उन्हें खोल के देखा तो पूरा ब्रह्मांड देखा तो ये तो एक लीला है इसके अलावा कब दिखा था ये माई ने भगवान का रूप विराट रूप कौन बताएगा ये पहले वाला तो इजी था वो तो जनरली लोगों को पता ही पता होती है वाली लीला इसके अलावा भी एक और बार ही देखा था प्रभु जी एक बार जब कृष्णा से योन कर रहे थे तब भी मदर यशोदा के मुंह में झांक रही थी कि कोई कितने दांत हैं तो तब देखा था करे करे एक बार उन्होंने उनका देखने के लिए कि कितने दांत हैं मुंह को खोला और तब उन्होंने देखा पूरा विश्व थैंक यू माता जी ग्रेट ऐसे अलग अलग पास टाइम्स हैं जो उन्होंने रिलिश किए लेकिन ये ये पर्टिकुलर तो उससे भी ज्यादा फॉर्चुनेट है पहले तो सिर्फ देखा था विश्व रूप वो तो अर्जुन ने भी देखा था एक तरह से और भी भीष्म वगैरह ने भी बाद में देखा था अलग टाइम पे लेकिन अगर हम देखें तो बहुत कोई ऐसे है नहीं जिन्होंने कृष्णा को बांध दिया हो ब्रह्मा शिवा ये सब भी बड़े बड़े डेमिकॉड्स हैं इतने पावरफुल शक्तिशाली लेकिन वो भी भगवान को नहीं बांध पाए अर्जुन ने भी कभी भगवान को ऐसे बांधा नहीं था पकड़ के लेकिन यशोदा माई, देखो कितनी उनकी ए, क्या कहते हैं इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग लव है कृष्णा का ये कृष्णा को बांध दिया उन्होंने राक्षस तो बांध ही नहीं सकते या कई सारे योगी वगैरह भी नहीं बांध पाए भगवान लेकिन अभी वो बंध गए तो ऐसा कृपा किसी और को मिली नहीं तो जो प्रेम है जो लव है भगवान का उसने कौंकर किया सब चीजों को और ये एक्सटेंट है भक्ति का सिर्फ भक्ति है जो भगवान को आकर्षित करती कहते हैं ना वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इज इट इज द ओनली थिंग विच कैन अट्रैक्ट कृष्णा श्री कृष्ण आकर्षणी एक यही है जो कृष्णा को अट्रैक्ट करती है i'm putting <laughs> a translation exactly seeing the whipping stick in his mother's hand he is crying and rubbing his eyes again and again with his two hands his eyes are filled with fear and the necklace of pearls around his neck is marked with three lines like a conch shell he is shaking because of his quick breathing due to crying to this supreme lord shri whose belly is not bound by by ropes but to ye bhagwan ko obeisances pay ki ja rahi तो ये भगवान को की है। तो ये पहले दो, आ, क्या कहते हैं पहले दो sections का हमने डिस्कस किया है बाकियों का हम कल करेंगे क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है और हम चाहते हैं सब लोग दामोदर आरती करें जो जो आज ज्वाइन किया है अभी वो सब दामोदर आरती कर पाए तो अभी हम दामोदर आरती स्टार्ट करेंगे Is that okay? Is that okay with everybody? किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं ऑल राइट right, तो मैं आपको भी इंकरेज करूंगा आप लोगों के आसपास जो भी इस्कॉन की रैली हो रही है हरिनाम संकीर्तन हो रहा है आज वहाँ जरूर जाइए अटेंड कीजिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें अपना योगदान दें ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम इतने सारी ऑस्टे हो रही हैं डिबोटीज के अगेंस्ट आ, तो उसमें बाहर आके अपना विरोध प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है तो प्लीज़ आप लोग अपने लोकल स्कॉन टेम्पल को इस चीज़ के लिए हेल्प कीजिए अभी हम ये स्टॉप करेंगे और दामोदर आरती स्टार्ट करेंगे दामोदर अष्टकम की जय दामोदर मास की जय राधा दामोदर जी की जय जगत गुरु शिल प्रपाद की जय